नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ था जो नॉर्मल आपका भी हो सकता है और डे टू डे लाइफ में हम सबको इसकी ज़रूरत भी पड़ती है कि एक आदमी जो है वो कितना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। देखिए, अभी आप देखिएगा तो जो भी काम लगभग हमारे इंडिया में हो रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो या गवर्नमेंट के थ्रू पैसा पाना हो या मान लीजिए सब्सिडी का पैसा पाना हो, किसानों को अपना पैसा पाना हो या उज्ज्वला योजना का सब्सिडी का पैसा पाना हो, तो सब जो है वो अकाउंट के माध्यम से ही होता है। तो अकाउंट भी दो तीन तरीके के होते हैं, पहले थोड़ा जान लीजिए ताकि आपको सुविधा हो काम करने में। पहला तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है सेविंग अकाउंट, जिसके माध्यम से हम लोग अपना जमा पूँजी जो है वो बैंक में रखते हैं और बैंक जो है उस पर हम लोगों को अपना ब्याज भी देता है। दूसरा है, आप मान लीजिए कहीं वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट, जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तीसरा होता है बिजनेसमैनों के लिए, जो मान लीजिए जो बिजनेस कर रहे हैं या कंपनी है, जैसे हम लोग की कंपनी है तो हम लोगों ने अपना करेंट अकाउंट ओपन करके रखा है, तो करेंट अकाउंट में क्या है उसमें भी आपको कोई ब्याज या कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और बेसिकली यही तीन चार तरह के अकाउंट्स होते हैं जो होते हैं। और एक जॉइंट अकाउंट, मान लीजिए आपका किसी और के साथ फैमिली में जॉइंट अकाउंट है तो वो सेविंग हो सकता है या करेंट भी हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। तो RBI का नॉर्म्स है और सिस्टम के द्वारा हम लोगों को चलना होता है। तो एक आदमी जितना चाहे वो अकाउंट खोल सकता है, वो उसके ऊपर है, बशर्ते वो अपना मेंटेन करने का तरीका वो जानता हो। क्योंकि जब आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा तो उसमें लेट फाइन भी लगता है, चालान भी कटता है, फाइन भी देना पड़ता है। हर एक साल ATM अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ATM के लिए ATM का पैसा भी देना पड़ता है। तो बैंक का कुछ चार्जेस हमेशा से हर एक साल लगता ही लगता है। तो आपके लिए जितना कंफर्टेबल हो, जितना आप मैनेज कर पाएँ, उतना आप अकाउंट खोल सकते हैं। बशर्ते लगभग देखिए हर एक के पास तो कुछ ना कुछ अकाउंट होता ही है। जैसे गाँव में किसानों के पास अगर मान लीजिए उनको पैसा आ रहा है किसान का या खाद का या सब्सिडी का या लोन का, तो उनके लिए अपना अकाउंट होता है। और जब भी आप लोन लेने जाइएगा, अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो लोन होगा नहीं, वो लोग एक आपको अकाउंट खुलवा ही देंगे। तो सबसे पहली बात कि कोई भी आदमी चाहे तो कितना भी अकाउंट खुलवा सकता है, ये उसके ऊपर है कि कितना अकाउंट वो मेंटेन कर सकता है। अब एक आदमी का, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग का कंपनी का अकाउंट भी है तो वो करेंट अकाउंट है, अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट भी है जिसमें हम लोग अपना सेविंग्स रखते हैं, प्लस जॉइंट अकाउंट भी है। अगर घर में मान लीजिए आपकी वाइफ है तो माँ बाप हैं या तो इनके साथ आप चाहें या ब्रदर है तो इनके साथ आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू RBI हम लोगों ने आपको बताया कि आप जितना मर्जी चाहे अकाउंट खोलिए, बस वो आपको देखना है कि कितना अकाउंट आप मेंटेन कर पाइएगा। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सामान्य क्वेश्चन है, मगर बहुत से लोगों के मन में रहता है कि पता चला कुछ गवर्नमेंट नया नियम ना निकाल दे या गवर्नमेंट का कोई ऐसा लॉ ना हो कि दो तीन अकाउंट खोलेंगे तो पकड़े जाएंगे या पैसा फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप जितना मेंटेन कर पाइएगा उतना अकाउंट आप अपना चलाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।